माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न में कालाबाजारी और धोखाधड़ी वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा राजगढ़ जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया। दिनांक 6 सितंबर 2022 को तलेन पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि एमपीबी ग्रिड के सामने शुजालपुर रोड तलेन पर टोल कांटे पर एक ट्रक चक्का का, जिसमें सरकारी चावल बेचने के लिए भरा हुआ, जो सिवनी बालाघाट की तरफ जाएगा। सूचना को थाना प्रभारी तलेन ने गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराकर ट्रक की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया, जो तत्काल गायत्री टोल नाका एमपीवी ग्रिड सारंगपुर के सामने पहुंचकर देखा तो ट्रक टोल कांटे से निकालकर एकलेरा चौराहे की तरफ जा रहा था, जिसका ट्रक का पीछा कर पकड़ा गया तो सरकारी चावल मिले। ट्रक चालक सद्दाम खां मेवाती को थाना तलेन लेकर आए। आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है, जिस पर से प्रकरण में कई धाराओं का इजाफा किया गया। आरोपी सद्दाम खां मेवाती आदिल खां मेवाती का जीआर फॉर्म तैयार कर माननीय न्यायालय सारंगपुर पेश किया गया है। उसका क्या कल दिनांक को जब ये मुखबिर थाना प्रभारी तलेन को सूचना मिली थी कि एक ट्रक अवैध रूप से राशन का चावल भरकर सिवनी जिला जा रहा है, इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा तस्दीक की गई और ट्रक क्रमांक RJ17GA4982 को घेराबंदी करके पकड़ा गया, जो इकलेरा रोड पर मिला, जो चालक सद्दाम और क्लीनर आदिल खां ये उस ट्रक में मिले, जिनसे थाना प्रभारी के द्वारा पूछताछ की। जिन्होंने बताया कि चालक है इसने बताया है कि पवन शर्मा एवं हेमंत शर्मा, इनकी दुकान से हमने ये चावल भरा है, और जब इसकी बिल्टी चेक की